बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एक बार फिर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के लिए लेटेस्ट अपडेट लेके हाजिर खिदमत हूँ। अभी आपको बताता चलो, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का काम, इरेक्शन का, रैकर बीम का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, और करेन जो बड़ी थी वो भी वापस चली गई। अभी आप इसी वीडियो में देखेंगे जो कि करेन मौजूद नहीं है। बाकी दूसरी जो क्रेन लगी हुई है, ट्यूब्स का काम कर रही है, वो भी आप देखेंगे इसी वीडियो में कि कितने भी ट्यूब्स रह चुके हैं। बाकी व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन के नाम। इस इलेक्शन के बाद अभी ब्लीचर और फ्रंट वॉल का काम है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा। ये जो ही ये ट्यूब्स का काम कंप्लीट होगा तो इसके बाद अगला प्रोसेस यही है, ब्लीचर्स और फ्रंट वॉल का, जिससे आपको पूरी लुक नज़र आएगी। ये सेकंड टीयर है, सेकंड टीयर का काम। बाकी ये भी आप देख रहे हैं, क्रेन सामने मौजूद है, जो ट्यूब्स इधर लगना बाकी हैं वो एरिया भी आपने देख लिया, और वो सामान भी कंप्लीट इधर मौजूद है। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में यहाँ से कंप्लीट करके ये क्रेन आगे शिफ्ट हो जाएगी। आगे जो रैकर, सॉरी रैकर अपन कह रहा हूँ, ट्यूब्स रहते हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस इसी का है। तो जो ही ये कंप्लीट होंगे तो इसके बाद फ्रंट वॉल और ब्लीचर का काम शुरू हो जाएगा। ये मिड में खड़े होकर मैंने, स्टेडियम के मिड में खड़े होकर मैंने ये वीडियो बनाई है, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है अभी कितना काम हो चुका है और कितना काम रहता है। और ये आपको जो ओपन नज़र आ रहा है सामने फ्रंट पे, ये वीआईपी की एंट्रेंस है। अच्छा व्यूअर, आपको ये बताता चलूँ, ये बैक फिलिंग का काम जो है वो भी दोबारा शुरू हो चुका है। ये आपके सामने मौजूद है, रोलर कंपैक्टिंग कर रहा है, और ये रैंप जो है एक्सिस रैंप, इस पे वर्किंग दोबारा शुरू हो चुकी है। बेड सरफेस वगैरह तैयार कर रहा है क्योंकि बैर के एलिवेशन कॉलम तो आपने देख लिए हैं, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके ऊपर ये जो डावल निकले हैं, इसके ऊपर दूसरे कॉलम लगेंगे जो कि ऑलरेडी आप दे चुके हैं। दो कॉलम सैंपल के तौर पे लगाए गए हैं, 96 कॉलम है, 94 कॉलम बाकी रह जाएंगे। और ये टॉप पे खड़े होकर जो वीडियो बना तो इससे भी आपको पूरा अंदाज़ा हो जाता है ये कितना काम हो चुका है और क्या कुछ हो रहा है। और ऐसे आपको स्टेडियम की लुक भी नज़र आ जाती है। ये सेकेंड टीयर के रैकर बीम, टाई बीम्स और जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और ट्यूब्स का काम जारी है, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के बाद दूसरा प्रोसेस है ब्लीचर्स और फ्रंट वॉल का। जैसे आपने वीआईपी एरिया में देखी है फ्रंट वॉल ऊपर हैंग की गई है, तो इसी तरह इसके ऊपर भी फ्रंट वॉल हैंग की जाएगी। ये जो ट्यूब्स लगना बाकी हैं और क्रेन भी मौजूद है, और उसी जगह पे ये स्टैंड बाई है। जो कि यहाँ पे खड़े होकर ये सारे ट्यूब्स का काम कर देगी कंप्लीट। तो आगे जो नॉन वीआईपी के थोड़े से और भी रहते हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी सुनने में यही आ रहा है कि जो टॉप के जो डावल नज़र आ रहे हैं आपको, इसके ऊपर भी नेक्स्ट मंथ से काम शुरू हो जाएगा। जो भी इनका मटेरियल रिक्वायर था वो भी सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, और इसी पे ही इरेक्शन शुरू हो जाएगी। इस डावल की पूरे होगी कास्ट इन प्लेस है। बाकी जो आइटम प्री कास्ट हैं, जो एज़ पर साइट कास्ट हो रहे हैं, कास्ट होने के बाद इधर इरेक्ट होते हैं, जैसे कि बाकी भी एलिमेंट्स अभी आपने देखे हैं,
जैसे रैकर बीम है, टाइप बीम है, ब्लीचर्स कॉलम्स आपने देखे हैं। तो इसी तरह इसके भी बाकी सारा काम बाकी है और रूफ़ का काम इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा। ये अभी आप पैनल देख रहे हैं जो लेवल 2B के पैनल रहते हैं, बाकी तकरीबन फाइनल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है 3A का, लेवल 3A या थर्ड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर है जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा, ये मेरी राइट और लेफ्ट साइड पे ब्लॉक मैसिव वर्क, प्लास्टर वर्क, वो भी आप देख रहे हैं, इसका भी काम जारी है। साथ साथ ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। ये ट्यूब्स का भी आपको नज़र आ रहा है, ये रैकर बीम है। बाकी बार आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई सी नई अपडेट मिलती रहे। हरा फिक्र के स्टेडियम की बेल आइकन भी लाजमी दबाना है, इससे ये होता है जो ही मैं नई अपडेट अपलोड करता हूँ तो वो आपको पहले ही मिल जाएगी। बाकी ये मैं आपको एंगल वगैरह, ये सेगमेंट वगैरह जो भी लिखे हैं ये भी आपको दिखाता रहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए भी नया ही एरिया है, कोई पुराना एरिया बार बार नहीं दिखाया जा रहा। ये लेवल 2B भी आपने देख लिया। ये एरिया रह चुका है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो इसके बाद लेवल 3A या थर्ड फ्लोर का काम शुरू हो जाएगा। वो इतना एरिया ने वो भी आप देख चुके हैं कि पिछली पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था भी जो पैनल की शुरू में लेवल 3A के कुछ पैनल हुए थे कंक्रीट। लेवल 2B की नस्बत लेवल 3A जो है थर्ड सेकेंड फ्लोर की नस्बत जो थर्ड फ्लोर है उस पर कम काम है क्योंकि ऊपर स्टेडियम क्लोज हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई सी नई अपडेट मिलती रहे रफी करके स्टेडियम की। ये अभी आप फ्रंट व्यू देखेंगे, ये VIP का, ये नॉन VIP पी की एंट्रेंस है। ये VIP फर्स्ट एंट्रेंस है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सेकंड एंट्रेंस नॉन VIP की है। बाकी ये स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है।